हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगी दुबले पतले शरीर तेजी से कैसे उसको सुडोल और अपना वजन बढ़ाने का रामबाण उपाय। जी हाँ, आपके शरीर को कैसे सुडोल बनाया जा सकता है, आपका वजन कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसका बिल्कुल रामबाण उपाय जिसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। आप तो जानते ही हैं मार्केट में बहुत सी चीज़ें अवेलेबल होती हैं जिन पर विश्वास कर हम उन्हें खा लेते हैं, उसके बाद हमारे शरीर में और अनेक तरह की बीमारियाँ लग जाती हैं। लेकिन आज का मेरा ये तरीका आपको बना देगा सुडोल और वजनदार, आपके वजन को बढ़ाएगा बिल्कुल नेचुरल तरीके से जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा आपके शरीर पर। तो चलिए जान लेते हैं वो तरीका क्या है। केवल 15 दिनों में वजन बढ़ाने का ये बेहतरीन उपाय। जहाँ से ज़्यादा वजन कई लोगों की परेशानी का कारण होता है, उसी तरीके से कम वजन भी बहुत से लोगों की परेशानी का कारण होता है। इसलिए मैं आपके दुबले पतले शरीर को सुडोल और तंदुरुस्त बनाने के लिए एक ऐसा डाइट लेकर आई हूँ जिसे आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, जो आपकी वजन को बढ़ाएगी लेकिन मोटापे को नहीं। वजन का बढ़ना और मोटापे का बढ़ना दो अलग चीजें हैं। तो आइए जानते हैं इसे रात में हम कैसे तैयार कर सकते हैं ताकि आप भी अपने दुबले पतले शरीर को हेल्दी बना सके। अत्यधिक दुबला पतला होना शरीर के लिए सही नहीं होता है, कहीं ना कहीं हमारे शरीर की कमजोरी को भी दिखलाता है, साथ ही साथ हमारी पर्सनैलिटी को भी ठग देता है। आजकल के समय में चाहे हमारी शादी हो, कॉलेज जाना हो, पर्सनालिटी को सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है। कई बार जरूरत से ज्यादा दुबले पतले शरीर की वजह से हमें बहुत सारी रिजेक्शन का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए आज के मेरे बताए हुए इस उपचार को आप केवल 15 दिन तक फॉलो करते हैं तो आप अपने शरीर की पर्सनालिटी को बढ़ाने के साथ साथ अपने शरीर की कमजोरी को भी दूर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम कैसे इसे तैयार करेंगे। हमें इसको तैयार करने के लिए सबसे पहले एक गिलास दूध चाहिए और दो केले लेने हैं, अच्छी तरह पके हुए केले लेने हैं। केले में भरपूर मात्रा में कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट और पोटेशियम पाया जाता है जो कि आपको तुरंत एक एनर्जी देते हैं और साथ ही साथ आपके वजन बढ़ाने में भी कारगर साबित होते हैं। आपको दो केले अच्छे पके हुए लेने हैं और दूध के साथ उसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। अगर आपको इसका स्वाद पसंद ना आए तो आप पके हुए दो केले खाने के बाद दूध का सेवन कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ आपको किशमिश का इस्तेमाल करना है। 1 से 1.5 चम्मच किशमिश दूध में डालकर अच्छे से ग्राइंड करनी है। ये आपके दूध में मिठास का काम तो करेगी और साथ ही साथ आपके लिए फायदेमंद भी बहुत है। आपको इसके साथ एक डाइट का भी इस्तेमाल करना है जो बहुत ही सस्ती और वेट गेनर डाइट है। इसके लिए आपको दो चीजों का इस्तेमाल करना है, एक तो है काले चने और दूसरे सोयाबीन के बीच। आपको आधी मुट्ठी काले चने लेने हैं और उतनी ही मात्रा में आपको सोयाबीन भी लेना है। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करके पानी में भिगो देना है। आपको ऐसा रात को भिगो कर रखना है, सुबह तक वो अच्छे से फूल जाएंगे। छोले यानी काले चने और सोयाबीन में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, इससे हमारे शरीर में कैलोरीज बढ़ती हैं जो हमारे वजन को बढ़ाने में मदद करती है। आपने बेसिकली जिम करने वाले और बड़े बड़े क्रिकेटर्स को, मैच खेलने वालों को ऐसी डाइट लेते हुए देखा होगा। साथ में इसका इस्तेमाल सही तरीके से कैसे करना है जिससे आपका वजन जल्दी बढ़ पाए, आइए जानते हैं इसके बारे में। लेकिन उससे पहले कुछ बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले आपको एक बार में सारा खाना नहीं खाना है। अगर आप एक बार में 4 रोटी खाते हैं तो पहले आप 2 रोटी खा लें, उसके 1 घंटे बाद आप बाकी बची 2 रोटी खाएं। ऐसा करने से आपका खाना अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है और आपके शरीर को भी लगेगा। उसी खाने को अगर आप 3 बार खाते हैं और उसी खाने को अगर आप बराबर बराबर हिस्सों में बांट के खाएं, उसके साथ आपको फास्ट फूड भी बहुत कम करना पड़ेगा। अक्सर लोग वजन बढ़ाने के लिए फास्ट फूड को खाना इस्तेमाल कर देते हैं, इससे आपका मोटापा बढ़ता है ना कि वजन, इससे आपको और बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इस डाइट का इस्तेमाल कैसे करना है चलिए आइए देख लेते हैं। आपको इसका सेवन कब करना है, जिम जाने से पहले आपको आधा घंटा पहले इसका सेवन करना है और जिम से आने के बाद भी 15 मिनट बाद भी आप इसका सेवन कर सकते हैं, या फिर आप इसे फ्री टाइम में भी खा सकते हैं जैसे टीवी देख रहे हो या फिर कोई काम कर रहे हो। आपको रोजाना आधी मुट्ठी काले चने का और आधा मुट्ठी सोयाबीन का खाना है, साथ में बनाना शेक को दिन में 2 बार पीना है। आपको इसको लेना कैसे है बनाना शेक को आपको मैं वो बता देती हूँ। जैसे आपने पहला खाना खाया 8 बजे, उसके बाद आप दूसरा खाना खाएंगे 12 बजे, तो आपको 1 से 1.5 ग्लास बनाना शेक पी लेना है बीच के टाइमिंग में। 2 खानों के बीच में आपको बनाना शेक का सेवन करना है, यानी 10 बजे आप इसको ले सकते हैं। इसी तरह से आपको शाम को भी लेना है। इसे दिन में 2 बार आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। आपको इसका सेवन हर रोज ऐसे ही करना है, मात्र 15 दिनों में आपको आपके शरीर में वजन बढ़ा हुआ नजर आने लगेगा। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना कभी ना भूलें,
ताकि फ्यूचर में आने वाला कोई भी मेरा इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।